तो बड़ी घबराहट का माहौल बना हुआ है। सोमवती अमावस्या भी एक ही दिन है और ग्रहण काल यानी कि सूर्य ग्रहण भी इसी दिन है। तो क्या करें क्या ना करें, आपकी जो चिंता है परेशानियां सब मैं आज मैं दूर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं क्या हमें कुछ उपाय करने हैं, किस तरह से इन दिनों का हमें फ़ायदा लेना है। ये दिन आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी साबित हो सकते हैं अगर आप कुछ छोटे छोटे कर्म दान पुण्य जप अगर आप ये कर लें तो ये समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्रत्यक्ष रूप से देवी और देवता सूर्य और चंद्र ही हैं जिनको हम देख सकते हैं और हमारे धर्म शास्त्रों में ग्रंथों में इनकी महिमा अपरंपार है। बहुत जगह व्याख्या की गई है, इनके बारे में बताया गया है किस तरह अगर सृष्टि पर धरती पर जीवन पनप रहा है तो चंद्र और सूर्य की मदद से ही हो रहा है। अब जब प्रकृति पर यह सूर्य चंद्र असर डालते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति का हिस्सा तो हम भी हैं और प्रकृति का हिस्सा हैं हमारे। जब शास्त्र ये कहते हैं कि सूर्य चंद्र आपके देव हैं तो आपको इनको पूजना चाहिए। तो ग्रहण काल जो समय आता है, जी हाँ, अब ये 8 तारीख का जो चैत्र अमावस का दिन पड़ रहा है, सोमवती अमावस्या इस दिन है। इस दिन सोमवार भी है और अमावस भी है और चैत्र भी है। अब चैत्र यानी कि एक ऐसा दिन जिस दिन अमावस्या है और ये सोमवार के दिन पड़ रही है, इसी दिन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अब आप ये समझो कि ये जो ग्रहण काल पड़ रहा है ये ग्रहण काल इतना ज़रूरी है, ये ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है इतना ज़रूरी है जो कि इसकी अगर महिमा समझे तो कई वर्षों पहले ये पड़ा था, अब जाकर ये फिर दोबारा आ रहा है और अभी से कुछ वर्षों के बाद यानी कि 40-45 वर्ष के बाद फिर दोबारा आएगा। तो सोचिए इस ग्रहण काल पर हम चाहें इसकी इम्पोर्टेंस समझे ना समझे, पर विदेश के लोग नासा या और भी एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल जो लोग हैं उनकी निगाहें इस ग्रहण पर टिकी हुई हैं। क्या खगोलीय इस तरह से जो चेंजेस आएंगे सब के सब यहाँ पर नोटिस किए जाएंगे, पर हम कहीं ना कहीं इस बात को लेके आश्वस्त होकर बैठे हुए हैं कि ये तो हमारे इंडिया में पड़ ही नहीं रहा है, रात को पड़ेगा तो हम क्यों चिंता करें। देवी देवता तो आपके हैं, ये सूर्य ग्रह देवता तो आपके हैं, हम सनातनियों के हैं, हम सब इनकी महिमा और इसकी शक्ति को जानते हैं, तो क्यों हम ये कह के टाल दें कि ये ग्रहण तो बाहर का है। अब ये ग्रहण का समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस लाने वाला है और ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है मीन राशि में। तो इस तरह से ये ग्रहण सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर डालेगा, ये ग्रहण सबसे ज़्यादा असर डालेगा मीन राशि वालों पर। ये मीन राशि वालों के लिए एक खास समय होगा जिस समय में अगर इस पॉजिटिव समय का पॉजिटिव तरीके से उपयोग कर लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वरना ये कहीं ना कहीं इसके जो अंश हैं बुरे नेगेटिव प्रभाव हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं बने रहेंगे। आप रात भर सोते रहोगे और सोते हुए इंसान एक तरह से मृत्युशैया की तरफ लेटा होता है, एक मृत व्यक्ति की तरह होता है जो कुछ नहीं कर पाता, सब चीज़ों को शक्तियों को अपनी तरफ आने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता है। पर यही समय अगर आप कुछ कर लें तब भी आपका कुछ भला हो जाएगा, अगर इस समय ना कर पाए तो आपको ये सुविधा मिल रही है कि आप सुबह उठ के जाके अपना शुद्धिकरण घर का करके और अपनी चीज़ें जो भी दान पुण्य की जाके मंदिर में छोड़ाएँ। अब ये सोमवती अमावस भी है। सोमवती अमावस क्या है, जो पितरों के लिए खास प्रिय होती है, जैसे देवताओं को पूर्णिमा प्रिय है उसी तरीके से हमारे पितरों को अमावस्या प्रिय है। ये अमावस्या का दिन है और इस दिन के बाद देखिए प्रतिपदा शुरू हो जाएगी जो कि चैत्र के नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और ये नवरात्रि ये दिन यानी कि अब आपके साथ कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव शक्ति जुड़ने वाली है जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं ये ग्रह हमारे त्योहारों के रूप में साथ में जुड़ जाते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल जो स्टडीज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की जो स्टडी करते हैं वो इसको किसी और रूप में देखते हैं, पर यहाँ पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला। अब उपाय क्या करने हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहला कि इस दिन जो दान का महत्व होता है, दान किस तरह के दान, जैसे कि अगर आप सोमवती अमावस्या के बारे में समझें तो इसके बारे में ये कहा गया है कि पितरों के निमित्त दान जप जितना करोगे उतना फलदायी होगा, उतना आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो भी लोग पितृदोष के प्रभाव से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में पितृदोष है कुछ भी है, वो इस समय दान पुण्य कर लें। दान पुण्य के लिए कुछ भी आप अपने घर से सामान निकालें, जैसे कि आटा चावल कपड़ा और जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दान कर सकते हैं।
छतरी इत्यादि दान कर सकते हैं, कोई पानी का मटका वगैरह दान कर सकते हैं। ये चीज़ें एडिशनल हो गई, ये चीज़ें दान कर दीजिए। और रात के समय आपने क्या करना, घर के जितने लोग हो उन सभी के लिए मैं अक्सर बताता हूँ, कुछ चीज़ें आप काले कपड़े में बांध लो, जैसे कि नारियल हो गया, साबुत उड़द हो गए, काले सफ़ेद तिल हो गए थोड़े थोड़े, और बादाम हो गए, सब चीज़ें काले कपड़े में बांध कर नारियल का गोला ले सकते हो, या फिर नॉर्मल जो जटा वाला नारियल होता है वो ले सकते हो। काले कपड़े में बांध कर जो जो लोग हैं घर के उनके सबके माथे से टच कर दीजिए। अगले दिन सुबह, क्योंकि ये रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का ग्रहण काल होगा, उस समय तो आप सो रहे होंगे, ये समय खाना खाने का नहीं है क्योंकि सूतक का समय भी होता है, तो आपने खाना खाना जो भी है पहले कर लीजिएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज़रूर ध्यान रखना, अपने पेट पर गेरू मिट्टी लगा लें, गेरू नहीं मिल रही है तो मुल्तानी मिट्टी लगा लें, घर में कुशा का इस्तेमाल करें। अब कुशा तो देखिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ से पता लगती है? इसकी इंपॉर्टेंस हमारे ग्रंथों में पता लगती है, ये भगवत गीता में भी कहा गया है, और ये भगवत गीता के 6वें चैप्टर यानी कि 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है कि बिना आसन के पूजा पाठ ना करें, बिना आसन के कोई मंत्र जप या ध्यान मत करें, बिना आसन के आपके कोई भी पूजा स्वीकार ही नहीं होगी। जो भी आप पूजा पाठ करोगे उस सब का फल कहीं ना कहीं इंद्रदेव लेके चले जाएंगे और आपकी पूजा निष्काम हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी हम पूजा पाठ की एनर्जी गेन करते हैं वो सब की सब धरती में समा जाती है, और वही ऊर्जा को रोकने के लिए आपको इस तरह का कुशा का आसन अपने घर में ज़रूर रखिए। देखिए ये स्पेशल तौर पे बनवाई जाती हैं, हम इनको तैयार करवाते हैं, और ये हमारी उत्तर प्रदेश में तैयार होती हैं, भादों की अमावस्या को तोड़ी जाती हैं, 1 वर्ष के लिए हमारी कुशा काम करती है। आपके घर में कौन सी कुशा होती है? आपके घर में इस तरह की नॉर्मल कुशा आप रखते हो, ये नॉर्मल कुशा जो कि जिस पर आप कुछ देर बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस पर तो ज़्यादा देर बैठना ही नहीं, मुश्किल हो जाता है बैठना। और ये कुशाओं को किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे, आपके घर में कुशा है तो एक तिली इसमें से निकाल लो, इस तरह से निकाल के ये कुशा निकल आई, अपने खाने पीने में आपका जो भी खाना पीने का सामान है उसमें इस्तेमाल कर लो, जो आपके घर में लोटा रखा हुआ है पूजा स्थान में उसमें जल में डाल के रख दो, फिर बाद में अपने घर में छिड़काव कर दो। जितना हो सकता है कुशा को, जिनकी कुंडली में ही ग्रहण दोष है वो कुशा को अपने पास रखे, अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं। ये कुशा इतनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको ग्रहण काल में आपके जो भी दूषित प्रभाव होते हैं उनसे बचा देती है। देखिए ये बनी है ऊन की कुशा से, और साथ में कुशा भी है इसमें ऊन का, इस अच्छी तरीके से बहुत इसकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, और ये वीडियो है सिल्क। अब देखिए हमारा जो पूजा पाठ होता है, जो आसन होता है, या तो वो ऊनी हो, या तो वो सिल्क का हो, या तो वो कुशा का हो, इसके अलावा कोई आसन हमारे काम नहीं करते। कुशा या फिर आसन का होना बहुत ज़रूरी है, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो जाए। अब जो भी पितरों के निमित्त दान है, देखिए आपको समझ लिया ना आपने कि सुबह सुबह आप चाहे तो अपने पितरों के निमित्त दान कर लीजिए। कोई स्नान वगैरह है, स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, अपने घर के पानी में आप गंगा जल डाल के आप स्नान कर लीजिए, और पितरों के निमित्त जो भी कुछ होता है दान जप वगैरह कर लीजिए। बैठकर आप इस दिन ध्यान लगा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हो, जितना करोगे उतना बढ़िया, ये पुण्य कर्म है, जितना बढ़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और रात के समय यानी कि ये चीज़ें आप चाहे तो सुबह ही खरीद के रख लो, और रात के समय अपने घर में रखी रहने दो, जो लोग हैं चाहे तो ये चीज़ें अपने बेडरूम में रख लो, और अगले दिन सुबह जाकर किसी भी मंदिर में जाके शनि मंदिर या शिवालय या कहीं पर भी आप जाके रख आओ, छोड़ आओ। अगर आपके यहाँ जल प्रवाह की सुविधा है तो अपने यहाँ पानी वगैरह कोई नदी नहर है तो उसमें जल प्रवाह कर दो। चलिए दोस्तों इन बातों को ऐसे ही सुन के मत जाने दीजिएगा, वरना क्या होता है कि इंसान बाद में पछताता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, किसी की समझाई हुई बात पर अमल कर लिया होता तो आज ये परेशानी ना होती। अब ये ग्रहण काल जिनकी भी मीन राशि है उनके लिए परेशानी वाला है, जिनकी भी कन्या राशि है उनके लिए परेशानी वाला है, जिनकी भी तुला राशि है इनके लिए परेशानी वाला है, सबसे ज़्यादा परेशानी वाला है जिनकी भी सिंह राशि है वो भी परेशानी में आ सकते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य राहु, बृहस्पति राहु या फिर सूर्य केतु का योग है वो भी लोग परेशानी में आ सकते हैं, तो उनके लिए ये काम करना तो बेहद ज़रूरी है। जो लोग बीमार चल रहे हैं, जिनके करियर में प्रॉब्लम चल रही है, जिनके ऊपर कहीं झूठे आरोप कोर्ट केस या फिर किसी अदालती झंझटों में फंस गए हैं, उनके लिए ग्रहण का उपाय ज़रूरी है। जो माताएँ बहनें गर्भवती हैं या उनको कहीं पारिवारिक या सेहत की दिक्कतें हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। शरीर में कोई ऐसे रोग पनप गए हैं जिनका कहीं पता नहीं लग रहा है कि है क्या,
उनके लिए ग्रहण का उपाय ज़रूरी है। जिनको कोई ऊपरी हवा की शिकायत है, कोई नेगेटिविटी डिप्रेशन है, कोई बुरी आदत, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका जीवन बिगाड़ रही है, ऐसी कोई हैबिट लग गई है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, ग्रहण की ये चीज़ें दान कर दे। और घर का कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपका परिवार है, आपके बड़े बुज़ुर्ग नहीं करते हैं पितरों के लिए कोई भी दान वगैरह, अगर आपको समझ आ रहा है कि आपके करने से पूरे परिवार का कल्याण हो सकता है, तो आप ज़रूर कर लीजिए। और पितरों का उपाय करने के लिए उनको बहुत ज़रूरत है, जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ, बृहस्पति बुध के साथ, या सूर्य राहु, या फिर चंद्र राहु का एक योग है, या फिर कुंडली का दूसरा, पाँचवा, नौवां और बारहवां घर कहीं ना कहीं राहु, बुध या शुक्र के उपस्थित होने से खराब हो रहा है, तब आपके ऊपर पितृ दोष है ज़बरदस्त तरह का, और उपाय करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।